जालौन पुलिस की गिरफ्त में खड़ा यह शख्स रिश्तों को शर्मसार करने वाला पति है, जिसने प्रेमिका के चक्कर में पत्नी को मारने की नीयत से यमुना नदी में फेंकने की कोशिश की थी, लेकिन अचानक तीन राहगीरों ने मामले को भांप लिया और इसके चंगुल से न सिर्फ इसकी पत्नी को बचाया बल्कि इसे दौड़ाकर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। जमुना का बुलाया तो इन्होंने वहाँ पर मुझे रोक लिया। रोकने के बाद ये मुझे दोनों हाथ और दोनों पैर पकड़ के उसमें जब करने लगे तो मैंने रेलिंग पकड़ ली। दो ट्रक वाले निकले, मैं उन्हें छूट के बुलाने लगी। उन्होंने भैया ने गाड़ी नहीं रोकी। उसके बाद एक भैया की लाइट दिखी लोगों तो वो देखने लगे। फिर उन भैया ने ला के गाड़ी बराबर में रोक दी। जब उन्होंने रोक दी, मेरा चीखना चिल्लाना उनसे देखने गए, वो रोक दी। उन्होंने गाड़ी और दूर से देखते चले आ रहे थे। फिर वो रोक के पूछने लगे, इनसे पूछा तो इन्होंने कहीं ये कह दिया कि मैं वहाँ लेके जा रहा था इसे जालौन, कहीं कुछ बताया कि हम जलसा दिखाने ला रहे थे। तीन लोग थे वहाँ से, वो फेंक रहा था, वो ऊपर हाथ पकड़ के और लाइट की रोशनी की वजह से फेंक नहीं पा रहा था। हमारी गाड़ी आगे निकली और हम पीछे आ गए, एकदम उसने रोक दी गाड़ी। ड्राइवर ने उतर के हम लोगों ने उसको ऊंचा लाने करके हाथ पांव चलाए और हम लोगों ने उसकी मार बचाने में सफल हो। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार्रवाई में लगी है। साथ ही इन तीन राहगीरों को भी सम्मानित करने की बात कह रही है, जिन्होंने इस महिला की जान बचाई है। औरैया और जालौन के बीच में जमुना पुल है, उस पुल के ऊपर बहला करके ले आया और वहाँ पर लाने के बाद उसके साथ मारपीट की और मारपीट करने के बाद जमुना नदी में हत्या करने के उद्देश्य से धकेल रहा था। तो इसी बीच महिला अपने बचाव में रेलिंग पकड़ कर चिल्लाने लगी, शोर मचाने लगी। एक दो गाड़ियाँ निकल गई लेकिन जो तूफान के रहने वाले हमारे तीन जवान हैं, पब्लिक के हैं, नए लड़के हैं, ये आशु, एक का नाम आशु है, एक का नाम संदीप है और एक का नाम अपील है। तो ये एक पेलोडर से जा रहे थे तो इन लोगों ने महिला को तड़पते हुए देखा तो गाड़ी रोकी और उस महिला की जान बचाई है। प्रेमिका के चक्कर में यह शख्स इंसान से बहसी बन गया और अपनी पत्नी को जान से मारने पर उतारू हो गया, जिसके साथ ब्याह रचा कर साथ जीने मरने की कसम खाई थी। जालौन से अनुज कौशिक, न्यूज 75 ब्यूरो।